क्या? हाँ ब्लॉग बना रही हूँ, हाय बोल दो। हाय हाय भैया। ओ भैया कितने रुपए लोगे मेहंदी लगा? 100 रुपए। अभी फिलहाल शॉपिंग कर ले। जैसा कि आप लोगों को पता है कल रक्षाबंधन है, कल 30 अगस्त है, तो कल का रक्षाबंधन है। तो कल के लिए शॉपिंग करने जाना है, राखी वगैरह लेना है। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट अपनी दीदी के साथ। मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए राखी लेने और पैदल पैदल जा रही हूँ। आज स्कूटी नहीं है, भैया ले रहे हैं इसीलिए। मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपना शॉपिंग वॉपिंग करके फिर घर पे भी आना है, खाना भी बनाना है, इसलिए अभी जा रहे हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं। रास्ते में जा रही हूँ, देखिए बस आने वाला है मार्केट। ये टिक्की वाले टिक्की खा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आलू की टिक्की और पानी पूरी। ये देखिए ये क्या है, इसका मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। नारियल नारियल रखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या है। जय, मैं भी जय कर देती हूँ। इतनी सारी भीड़ रहेगी जो मार्केट में, एक पुलिस भी लगी है, और ऐसा लग रहा है सब लोग राखी खरीदने के लिए आए हैं। इतने सारे लोग ठेले लगे हैं, राखी के स्टॉल लगे हैं, तो इतनी सारी भीड़ लगी है। देखिए गाइस आज तो पूरी राखी बिक जाएंगी ऐसा लग रहा है। तो गाइस तो छांटना है कौन सी अच्छी लग रही है। गाइस आप लोग मुझे तो कली वाली समझ ही नहीं आ रही। ये वाली कितने की है? हाँ ये 25 रुपए की है। अच्छी लग रही है ना। राखी का मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी सारी में से आप देख रही हूँ कौन सी लूँ कौन सी लूँ। हेलो दुकान कैसे लग रहा है? ले लो जी, ले लो, कितने का अच्छी लग रही है। लेकिन भैया लोग नहीं पहनेंगे ये वाली, ये बज रही है क्या? हाँ ब्लॉग बना रही हूँ, हाय बोल दो। हाय हाय। तो कौन सी ले गाइस इसमें से? ये देखो मोनिका ब्लॉग्स है, हाँ देख लेना है। कितनी? 3, 6, 7 राखी लिए, 7 राखी लिए मैंने। गाइस राखी तो मैंने ले ली है, पता नहीं मम्मी को पसंद भी आएंगी या नहीं, बट ले ली है। कल मामा आ रहे हैं, मामा मामी आ रहे हैं, मेरे फेवरेट मामा मामी, बहुत मजे आएंगे। लो भैया हो गए। तो गाइस राखी हमने ले ली, और अब हम ले रहे हैं मिठाई। फोन पे नहीं है, हो जाएगा फोन पे। और ये वाला दे दो, ये कितने का है? 50 का 100 का। अच्छा तो ना ये वाले 3 दे दो, 3 3 वाले 3 पैकेट चाहिए वाले। पूछ लो भैया से। भैया
ओ भाई ये कितने रुपए लोगे मेहंदी लगा? 100 रुपए? 100 रुपए लग रहा है, लगवा लो मेहंदी। आओ इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? बड़े बड़े बतासा। हाँ इनको शायद खड़पुरी बोलते हैं। खा लो खड़पुरी। और ये नारियल ले रही है यहाँ पर दीदी। खड़पुरी बोला था यहाँ को? हाँ पता है। पहले के जमाने में इसी से टीका करते थे भाइयों का। ये पुलिस अंकल कैसे देख रहे हैं, बेचारे अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हाय पुलिस अंकल, हाय पुलिस, देख तो नहीं लिया। पुलिस अंकल ने आए भी नहीं किया, घमंड आ रहा है लोग। मम्मी बोला था आलू और धनिया लेके आना, इधर कितने अच्छे अच्छे इयररिंग लगे हैं यहाँ पे, लेना हो तो। मैं तो पहनती नहीं हूँ वैसे रेडी, वैसे बाहर के अच्छे नहीं लगते मुझे, बार बार उतारो पहनो ऐसा वैसा, एक ही यही पहने रहती हूँ। और गाइस सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि कल मेरे मामा मामी आ रहे हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे फेवरेट मामा मामी हैं वो, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस कल मैं आप लोगों को अपने मामा मामी से मिलवाऊंगी, अभी फिलहाल शॉपिंग कर लें। ये भैया कैसे देख रहे हैं, जैसे कभी फोन नहीं देखा हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है ब्लॉग बनाने में, ऐसे ना फोन ना छीन के ले जाए वही। ये लोग सोचते होंगे अपने आप से बातें क्यों कर रही, लड़की पागल हो गई है क्या? ये लोगों को क्या पता मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक कुछ फोटो मिला था राखी वाले ठेले पे, बोल रहा था दीदी आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग बनाती हो? मैंने कहा हाँ। ऐसे लोग पे ऐसे करके बनाओ ना, लोग पहचान जाते हैं कि हाँ। चलो आलू ले लेते पहले। हाँ एक किलो कितने के? 20 के देखो, 20 को 1 किलो, 3 किलो बजाज का, 3 किलो 20 का दे दो, 3 किलो बजाज के, 3 किलो बजाज के। तो आज कितनी सारी भीड़ है गाइस, ये मंदिर बना है यहाँ पे। मीठे नहीं होंगे, मीठे हुए तो घर से वापस बोल रहे हैं क्या? सब्जी बनाने के बाद वापस ले लोगे क्या आप आलू? लो भैया लो, आंटी खा के देख रही हैं आलू को। 3 किलो बजाज के, 3 किलो बजाज के आलू। आपने जैसे बताया ऐसे ही निकल गया, अब वापस कर दियो गुरु ने। सब्जी लिया ना बनी बनाई, मीठी निकल गई तो आलू की सब्जी वापस कर जाना। दीदी अनार ले रही हैं, ये कमजोर हो गई है, अनार की जरूरत है ना। हाय क्यूट क्यूट बच्चे दिख रहे हैं आज प्यारे प्यारे। तो गाइस शॉपिंग वॉपिंग हो गई है और अब मैं जा रही हूँ घर पे। ये पकड़े जा रही है थैलिया में, ये हम जा रहे हैं पकड़े पकड़े। तो गाइस थोड़ी देर बाद अब घर पर पहुंच जाएंगे और पैदल पैदल थक जाते हैं। अभी घर पर जाके खाना बनाना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है, तब जाके फ्री होंगी मैं। हाँ है वो फोन पे तो सोच कर रही, चलो पीने हैं वो तो पी लो। ये देख क्या सोच रहे हैं, जूस 2 गिलास।
तो तुम ऐसे क्या कह रही थी? नहीं 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 क्या? तो गाइस ये लोग पीने के लिए बैठे और इन लोगों से मैंने बोल दिया कि भैया जूस दे दो, तो वो लोग हंस रहे हैं। तो गाइस जूस वाले भैया ये इनसे बोलना चाहिए था जूस दे दो, और इन तीनों भैया से बोल रही मैं जूस दे दो तो वो हंस रहे थे। हद हो गई, मतलब मैं ही पागल हूँ एक नंबर। तो जूस पी के गाइस थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। वैसे ऐसा लग रहा था ऐसे चक्कर आ जाए ना, मैं गिर जाऊंगी। रक्षाबंधन का ब्लॉग आएगा, आप सब लोग देखना नहीं भूलना। और फिर कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।